हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो आज है 2 सितंबर, चलिए भी देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और भी आपके स्कूल, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली अपडेट पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि 2020 में विभिन्न यूजी और पीजी कोर्सेज में नामांकित जो नामांकन ले चुके हैं ऐसे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने दोबारा रजिस्ट्रेशन की डेट निकाल दी है। आप 2 सितंबर से 4 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान रजिस्टर्ड छात्रों का परीक्षा फॉर्म दिनांक 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच भरा जाएगा, इसे अति आवश्यक समझा जाए। अगली अपडेट आज से शुरू होगा बीएड में नामांकन कराने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग। वीकेएसयू अंतर्गत 20 कॉलेज में 2350 सीटों पर नामांकन के लिए 12 सितंबर तक होगी काउंसलिंग। अगली अपडेट आईटीआई के जॉब कैंप में 65 छात्रों का हुआ चयन। अगली स्नातक पास्ट 1 की तरफ से आवेदन प्रक्रिया खत्म, 10 तक आएगी मेरिट लिस्ट। बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज में स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन का समय मंगलवार को खत्म हो गया। पिछले 4 माह से आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अब तिथि भरी गई नहीं, लेकिन पढ़ इससे पहले 15 अगस्त तक आखिरी डेट थी लेकिन डेट बढ़ा दी गई। अपन मिल जा रही यहाँ पर कि 1.39 लाख आवेदन आए, इस दौरान 3000 आवेदन ज़्यादा आए। इंटर में नामांकन पहले मेरिट लिस्ट से अब 4 तक करा सकेंगे नामांकन। अपने मिल जा रही है कि 4 सितंबर तक नामांकन करा सकेंगे। नामांकन के बाद उन्हें स्लाइड अप का विकल्प भी मिलेगा, बिना नामांकन के भी वे विकल्प का चयन नहीं कर पाएंगे। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर धीरेन व विनीता को शोध में मिला सम्मान। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से मगध यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स के छात्रों की हुई मौखिक परीक्षा। बेट आईटीआई प्रवेश परीक्षा 5 को तैयारी पूरी कर ली गई। लिबिट मदरसा बोर्ड की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 सितंबर तक होगा, पहले आखिरी तिथि 31 तक थी जिसे बढ़ा दी गई और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। और अगली अपडेट पढ़ने को जा रही है कि अब 29 विषयों में 2 नए पेपर जुड़े आपके गेट के एग्जाम में। और अगला अपडेट टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट में सुधार के लिए छात्रों का धरना हो रही है कि पीजी पॉलिटिकल साइंस के साथ 1820 के छात्रों का रिजल्ट में सुधार के लिए मगलवार उन्होंने धरना किया। अगली बार तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से नामांकन की तिथि बीती तो टीएमबीयू ने 3 तक दिया मौका। टीएमबीयू में 8200 छात्रों का नहीं जमा हुआ शुल्क, कोई छात्र ईमेल आईडी भूला तो कोई किसी को पासवर्ड याद नहीं। अगले बार तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से पैट 26 को होगा, यानी पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट 26 को होगा जिसमें 2174 छात्र होंगे शामिल। जिसमें बात करें आप सभी को सॉन्ग का भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें 2 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। 10% एप्टीट्यूड, 10 प्रश्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड, 5 प्रश्न लॉजिकल एप्टीट्यूड, 5 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी, 5 प्रश्न इंटरप्रिटेशन और भी इस तरह के आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जा रहे हैं। अगले भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी तैयारी, नैक के 2रे चरण की तैयारी में जुटा प्रबंधन। कि पूर्णिया कॉलेज में अब कैंटीन और उद्यान सहित कई निर्माण कार्य होंगे। अगली अपडेट परीक्षा विभाग में 7 तक मिलेगा डिग्री 1 और 2 का अंक पत्र। पढ़ने में जारी है कि यहाँ पर पुणे यूनिवर्सिटी में स्नातक 2020 के प्रथम और द्वितीय खंड का अंक पत्र तैयार हो गया है, अब आपको इसमें 7 सितंबर तक मिल जाएगा। अगली बार वेकोवर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी नामांकन में अवधि विस्तार के संबंध में कि निर्देश दिया जाता है कि आप सभी का इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन आप 2 सितंबर तक यानी आज तक ले सकते हैं। अगली अपडेट कि आप ऐप से पुस्तक डाउनलोड कर पाएंगे। पहले से 12वीं के 2.5 करोड़ विद्यार्थी ई लाइब्रेरी में 12वीं तक के कक्षा की पुस्तकें आपको मिलेंगे डिजिटल रूप में उपलब्ध, जिसके गूगल प्ले स्टोर पर आपको ई लॉट्स ऐप डाउनलोड करना है। बेट आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से राजभवन को भेजा प्रस्ताव, बीटेक 4थे व 6वें सेमेस्टर के छात्र किए जाएंगे प्रमोट। बेट नवंबर तक खींच सकती है विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ। या फिर बिहारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 26 अगस्त से बीएड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब आपकी जो बाकी जो पार्ट 1 की परीक्षा देख पा रहे हो ओएमआर सीट पर होनी है पार्ट 1 की परीक्षा। आपकी 2019 से 2022 और 20 से 23 की परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी। अगली अपडेट बिहारी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगले महीने भरा जाएगा पार्ट 1 2021 का परीक्षा फॉर्म। अगली अपडेट 3 साल के मैट्रिक पास विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। अगले पाठ्यपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि अब आप सभी भी यानी यूजी के रेगुलर स्नातक और वोकेशनल के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो भी अनुत्तीर्ण जो प्रमोटेड कैंडिडेट्स है कोविड-19 महामारी को देखते हुए वो भी अब एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं पार्ट 3 का। अगले बेटे इन कॉलेज की तरफ से इन कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है रेगुलर मोड में। अगली अपडेट MMHEP यूनिवर्सिटी की तरफ से है, आपको वहाँ पढ़ने को मिल जा रही प्रोग्राम शेड्यूल आ चुका है आपकी अपने ALEM 3 FAZIL 2 एग्जामिनेशन का, जो कि बात करें आपको 13 सितंबर से 22 सितंबर तक होगी। बात करें आप देख पा रहे एग्जाम फॉर्म फिलिंग की नोटिस आ चुकी है आपकी ALEM 3 और FAZIL 2 की। अच्छी खबर प्रारंभिक शिक्षकों के 2.67 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 1648 करोड़ हुआ जारी।
अगली बीट बिहार बीएड की तरफ से, बिहार बीएड एडमिशन के लिए इस बार कुल 340 कॉलेजों का योग्य पाया गया। बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 12 कॉलेजों का विकल्प चुन सकेंगे। कॉलेजों की संख्या और सीटें आपको यहाँ पर सीधा के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो। अगली बीट फोकानिया मौलवी परीक्षा बाढ़ की वजह से रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। अगली बीट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ने वाली है। अगली बेटा ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी यूजी वोकेशनल बीबीए बीसीए बीबीएम और वेदर वोकेशनल कोर्स में एडमिशन को लेकर इस साल का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें बात की एडमिशन आपके लिए शुरू हो रहा है 4 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं 17 सितंबर तक, और आखिर इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं, और आखिर आपका एडमिशन कैसे होगा, और आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप बीसीए करना चाह रहे हो, बीबीए करना चाह रहे हो, वेदर कोई वोकेशनल कोर्सेज का, जिसके लिए फुल डिटेल वीडियो मैंने जस्ट अभी डाला है, वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। अगले पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोविड-19 के कारण छात्र छात्रा यदि अपने माता पिता घर का मुखिया खो दिए हैं तो वैसे छात्र छात्राओं द्वारा अपने माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र कोविड-19 के कारण प्रस्तुत करने पर उनका नामांकन शुल्क माफ कर दिया जाएगा। बीड नामांकन को लेकर पटना यूनिवर्सिटी में 84% तक जाएगा कट ऑफ, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 120 में 101 ये स्वांग भी है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फुल डिटेल वीडियो मैंने डाल रखा है बिहार बीएड का कि आपको कितना कट ऑफ जाएगा, किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना हो आपके बीएड रेगुलर शिक्षा शास्त्री के बोर्ड में, तो उसके लिए आपको फुल वीडियो वहाँ चैनल पर देखने को मिलेगा। क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वालिफाइज फिलिंग करना है, उसकी जानकारी भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ये बीएड प्रदर्शन स्नातक में फर्स्ट और सेकंड ईयर के प्रमोटेड छात्रों का मामला, पीपीयू स्नातक में प्रमोटेड छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोका तो किया गया बवाल, पर पड़े बातचीत के बाद नोटिस किया गया जारी कि यहाँ पर पड़े जैसे कि नोटिस मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया। अगली अपडेट जल्द जारी होगा सीटीईटी का नोटिफिकेशन, सीबीएसई सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी का नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी करेगा। सीबीएसई ने कहा कि सीटीईटी 21 दिसंबर में हो सकता है, इस पर यह टेस्ट ऑनलाइन बोर्ड में होगा। सीटीईटी के लिए लगातार बोर्ड की वेबसाइट पर नज़र रखने को कहा है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि बदला हुआ पैटर्न मॉडल प्रश्न जल्द ही सीबीएसई की ओर से जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर 2021 के सीटीईटी में विद्यार्थियों के तथात्मक ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज पर की जाएगी। इसके साथ इस बार अभ्यर्थियों को टेस्ट प्रैक्टिस की भी सुविधा मिलेगी। दोपहर यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का कुलपति ने किया निरीक्षण। पटना यूनिवर्सिटी का नाम बीपी मंडल यूनिवर्सिटी हो सकता है। अखिल भारतीय देख पा रहे हो चौरमहल के प्रधान कार्यालय में मोर्चा की बैठक में निर्णय लिया गया कि डिसीजन लिया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बीपी मंडल यूनिवर्सिटी रखा जाए। क्या आप इससे सहमत है तो वीडियो कौन से कमेंट करें। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए 34,580 आवेदन आए। वोकेशनल कोर्स में नामांकन को 4 से आवेदन मैक्सिमम ने बताया आपको पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के तो बात करें, आवेदन तो आप लोग कर लिए, इसके बाद पढ़ने को मिल जा रही है कि इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। चूंकि पीजी का नामांकन भी स्नातक के अंकों के आधार पर होगा, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अंक पत्र जरूरी है, बिना उसके आवेदन नहीं लिया जा सकता। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने के कोर्स वर्क को 3 साल में किया समाप्त। अगले बेट 3 तक भरे जाएंगे इंटर व मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म। अगले भी बिहार की तरफ से बिहार ने मेट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों को दी राहत, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 12 तो इंटर नामांकन अब 4 तक होगा। लेविट ललित नाई मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में परीक्षा संबंधी सूचना बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 वर्षीय जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ है और बीएड करना चाहते हैं तो आप सभी के बहुत बहुत सुनहरा ऑफर। एलएनएम यूनिवर्सिटी की तरफ से 12 सितंबर को आप सभी का सीईटी एग्जाम 11 बजे से 1 बजे तक, जिसके लिए 7 सितंबर से आप सभी एकेडमिक कार्ड आ जाएगा। अगली बार टीम यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप सभी का गेस्ट फैकल्टी का देख पा रहे हो, आप सभी का आवेदन के साथ 4 अक्टूबर तक आमंत्रित किए जाते हैं। NIT पटना जूनियर असिस्टेंट पद की परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी, टाइपिंग स्किल टेस्ट MCQ और डिस्क्रिप्टिव की होगी परीक्षा। अगले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अभ्यर्थियों को 9 दिन होगी प्रवेश परीक्षा, नामांकन के इंटर के प्राप्त अंक के आधार पर ही होगा आप सभी का इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन। फुल वीडियो और ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो वीडियो को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में PhD प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम जारी, 22 को ही परीक्षा में 59 छात्रों में से 12 का PhD प्रोग्राम में हुआ चयन। अगली अपडेट स्कूल खुले, शिक्षा मंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। अगली अपडेट महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 100 में से 38 सीटें लड़कियों के लिए होगी अब रिजर्व। छात्राओं को 33% आरक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार की पहली यूनिवर्सिटी बन गया है जिसने स्नातक में एडमिशन में लड़कियों को आरक्षण देने का फैसला लिया। ये नए सत्र 21 से 22 में PPU में 100 सीटों में 38 सीटों के लिए सिर्फ गर्ल्स का इसमें रिजर्वेशन किया गया। पर पड़े फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी इतने सारे स्टूडेंट शामिल हुए जिसमें 21 से 22 में 6 छात्रों की संख्या बराबर रहने की संभावना। अगली अपडेट 164 डिग्री कॉलेज में होगी स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति। अगली अपडेट आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने की बात। वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी और पीजी की पढ़ाई होगी अब डिजिटल। प्रमुख के नए कुलपति ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में अब पर यूजी पीजी की पढ़ाई डिजिटल हो गई। यह अपडेट जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से। JP यूनिवर्सिटी के सिलेबस से JP और लोहिया नहीं हुए बाहर।
अगली अपडेट विडकोवर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 सितंबर तक पीजी सेमेस्टर 2-3 का असाइनमेंट जमा हो सकता है। इसके पहले भी विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 1 व पीजी की परीक्षा असाइनमेंट की तर्ज ले चुका है। छात्र अपने विभाग और कॉलेजों में जाकर जमा करेंगे अपना असाइनमेंट। विद भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से विश्वविद्यालय में एक अधिकारी सहित 5 जुड़ों की प्रोन्नति में गड़बड़ी पाया गया। टीएमबी में अधिकारी को ज्वाइन करने से पहले ही मिल गया प्रमोशन। अगली अभी टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 की परीक्षा के एडमिट कार्ड में छात्र का 2 जगह सेंटर पड़ चुका। गड़बड़ी आई है टीएमबीयू के एडमिट कार्ड में। अगली अपडेट टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से टीएमबी में स्नातक में हो रहे नामांकन में फिर ऑनलाइन सिस्टम में हो गया फेल। पहले मेरिट लिस्ट से ही दाखिले में देर, 2 सूची और ऑन स्पॉट नामांकन अभी भी है बाकी। 200 छात्रों की फीस जमा नहीं होने से वीवी ने स्टूडेंट्स को बताया जिम्मेदार। इग्नू में नामांकन के लिए आवेदन 15 तक। इग्नू ने जुलाई 2021-17 में पूर्ण पंजीयन और नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। अगले बीच मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस अलर्ट, 4-7 सितंबर के बीच यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए पार्ट 1 के आवेदन में कर सकेंगे सुधार। पार्ट 1 के आवेदन में सुधार को मिला 2 दिन का समय। किस किस विषय में कितने आवेदन मिले आपकी जानकारी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रही है। कुल 86,038 सीटों के विरुद्ध 41,424 आवेदन हुए प्राप्त आपके अपने मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 1 शैक्षणिक सत्र 21-24 में। अगले बात करें आप त्रुटि सुधार के लिए आपको 4-7 सितंबर तक आपको मिला है समय। ये बेट बीएन मंडल विश्वविद्यालय की तरफ से कि स्नातक पार्ट 3 परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई। पढ़ने को मिल जा रहा है कि प्रीलम परीक्षा शुल्क के साथ 4 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ये पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि 3 तक। ये बेट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आवेदन के लिए जमा हो रहा है जिसमें बात करें आपको 2700 से 4000 तक की राशि दी जाएगी। लास्ट डेट है 30 सितंबर तक जिसमें 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तीनों वर्ष के लिए आवेदन प्रारंभ 3 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक कागजात फोटो लगेगा आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो एक अपील के बाद का होना चाहिए, बोनाफाइड प्रमाण पत्र देख पा रहे हो, 10वीं का इंटर मार्कशीट, फीट स्ट्रक्चर, ईमेल जिसका पासवर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो चालू हो, जिस पर रिचार्ज हो, नामांकन रसीद जो एडमिशन के समय मिला था। अगर आपको फुल व्यू ट्यूटोरियल चाहिए किस प्रकार आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के लिए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगली अपडेट एन कॉलेज की तरफ से पढ़ पा रहे हो कि एन कॉलेज के इंटरमीडिएट सत्र 21-23 के नामांकित कला एवं विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को सूचित जाता है कि अपना दस्तावेज सत्यापन दिनांक 2 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। सभी विद्यार्थियों अपना इंटीमेशन लेटर, फी रिसीप, 10th मार्कशीट, CLC माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लेकर महाविद्यालय में पहुँचे। विडकोवर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्देश अनुसार पीजी सेमेस्टर 4-17 का परीक्षा प्रपत्र एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि ₹200 विलंब शुल्क के साथ 7 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई। पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इन कंटिन्यू किया गया आपका देख पा रहे हो ये BA BSc BCom पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म अपडेट एक्सटेंड कर दी गई 3 सितंबर तक भर सकते हैं जिसके लिए आपको ₹50 लेट फाइन लगेगा। पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक द्वितीय और प्रथम खंड परीक्षा के अंकपद के संबंध में सूचित किया जाता है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया द्वारा आयोजित स्नातक द्वितीय व प्रथम खंड 2020 का अंकपद तैयार कर लिया गया है। पदाचार्य को आग्रह किया जाता है कि 7 सितंबर तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से अंकपद प्राप्त करें। बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से 1,42,000 छात्रों ने भरा इस पर स्नातक का फॉर्म। स्नातक में किस किस विषय में कितने आवेदन है आपको पढ़ने को देखने को मिल जा रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे हो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर के निर्देश अनुसार 2020-21 में नामांकित जो किए हैं स्नातक स्तरीय BA BSc BCom BCA PBA CND के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखने पंजीयन प्रपत्र भरने की तिथि 2 से 3 तक विस्तारित कर दी गई। पटना यूनिवर्सिटी के DDE की तरफ से यानी डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से असाइनमेंट नोटिस ऑल दो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स है BA BCom BCA पार्ट 2 सेशन 19-22 के उनको सबमिट करना है अपना असाइनमेंट्स 15 सितंबर तक या 15 सितंबर से पहले जमा कर दीजिए अपने DDE के ऑफिस में काउंटर नंबर 17 पर। अगली अपडेट बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 12 सितंबर तक बढ़ा दी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थे इतिहास के कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद आए को लाइक करेंगे, इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तो अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये सारी जानकारी आप पढ़ पाओगे हमें टेलीग्राम चैनल पर जिसके लिए हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइए वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप अपने टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें वहाँ पर भी आपको एजुकेशन के सारी अपडेट्स सबसे पहले पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।